इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कयाम के 75 साल मुकम्मल। तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में IUML की प्लैटिनम जुबली तकरीबात। चेन्नई के राजाजी हॉल में मुनक़द हुई हलफ बरदारी की तकरीब। मुनीरुल मिल्लत प्रोफेसर KM कादर मुहियुद्दीन की क़यादत में हुआ तारीखी जलसा। मुख्तलिफ रियासतों से आए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सुदूर ने अपनी अपनी जबानों में हलफ लिया। कर्नाटक के रियासती सदर एन जावीदुल्ला ने कन्नड़ा जबान में अहद लिया। स्थान दिन इंदी दिन इंदी ऐतिहासिक दिन दिन राजकीय आंदोलन आंदोलन समर्पित समर्पित कार्यकर्ता कार्यकर्ता ना प्रतिज्ञ प्रतिज्ञे कानूनुबद्धवागि स्थापितवाद सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय समानते समाज सेवे न्यायबद्ध न्यायबद्ध राजकीय राजकीय प्रजाप्रभुत्वदल्लि प्रयोगपुत्रदल्लि अधिष्ठवाद अधिष्ठदाव देशद सामग्रते देशद सामग्रते ऐकते ಐದರೋಗದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು ಆಮ್ರ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ದೇಶದ ಜನ ದೇಶದ ಜನ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಿ ಐಕ್ಯತೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಮೂಡಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುವ ತರುವ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮಿಲ್ಲತ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮಿಲ್ಲತ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಮುಲ್ಕಿ ಸಾಲ್ಮಿಯತ್ ಜಮೂರಿಯತ್ ಇತ್ತಿಹಾದ್ ಸಮಾಜಿ ಇನ್ಸಾಫ್ ಮಜ್ಹಬಿ ರವಾದಾರಿ ಕೋ ಕಾಯಂ ರಕ್ನೆ ಕಾ ಅಹದ್ ಲಿಯಾ ಮುಲ್ಕೆ ಆಯಿನ್ ಪರ್ ಮುಕಮ್ಮಲ್ ಐತಮಾದ್ ವ ಭರೋಸೆ ಕೋ कायम रखने का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कारकुनों ने अहद लिया। 10 मार्च 2023 बरोज जुमा राजाजी हॉल में ये तारीखी जलसा मुनाकद हुआ। हजारों की तैदाद में IUML के कारकुनों ने शिरकत की। माजी में मद्रास कहलाने वाले चेन्नई शहर का राजाजी हॉल तारीखी अहमियत रखता है। यही वो हाल है जहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी। प्लैटिनम जुबली के मौके पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की 75 साल तारीख को याद करते हुए IUML के तमाम लीडरों कारकुनों ने मुल्क की इस कदीम पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का अज्म किया। इस मौके पर एन जावीदुल्ला, MK नौशाद, परवीन शेख और दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। और आज आपने जो है अहद भी लिया है, प्लेज भी लिया है, बताइए सर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि 1948 के अंदर जब हमारे कायद मिल्लत ने इसी राजा जी हाल के अंदर पहला इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो इजलास बनाया था, स्टेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसी हाल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का आगाज हुआ। आज होकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का आगाज 75 साल हो गए, 75 साल हो गए हैं। आज उसी का जश्न हम मना रहे हैं, प्लैटिनम जुबली का जश्न मना रहे हैं। ये हमें यह खुशी हो रही है कि हमको 1947 के याददाश्त दिला रहे हैं कि जब जो है हमारी मुस्लिम लीग इस देश के अंदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कायम हुई। तो आज आपने जो है अहद भी लिया है, प्लेज भी लिया है और ये भी कहा है कि मुल्क के जो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी हिफाजत है और पार्टी की तरक्की के लिए आपने वादा भी किया है। जी, हमारा आज का जो प्लेज का जो मीनिंग ये है कि हमारा इंडिया जो है डेमोक्रेटिक मुल्क है। इस डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर हम जो है पीस,
ह्यूमैनिटी और इक्वलिटी, राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ इक्वलिटी, जो डेमोक्रेसी जो हमें बताता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बताता है, वही आज हम लोगों ने प्लेज लिए है कि इस देश के अंदर अमन कायम हो, अमन कायम होकर पूरे देश के अवाम में जो है अमन के साथ इस मुल्क के अंदर जीना सीखे। के लिए क्या मैसेज है? हम लोग पूरे देश के लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये इस हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत के अंदर अभी हमको अमन चाहिए, पीस चाहिए, ह्यूमैनिटी चाहिए, और हमारा देश किसी तरह से हर लाइन से जो है पॉलिटिकली और जो है इकोनॉमिकली और सोशली डेवलपमेंट हो। हम यही चाहते हैं कि हमारा देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, पॉलिटिकली स्ट्रांग हो और सोशली स्ट्रांग हो। और हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक वाहद सियासी पार्टी है। इस सियासी पार्टी के जरिए से इंशाल्लाह पूरे मुल्क में हम लोग जो है हम मुसलमानों के हक में जो है लड़ेंगे। माशाल्लाह, हम लोग बहुत नसीब वाला है। 1948 में इधर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यही राजा जी हॉल में शुरू हो गया था। यही 75 ईयर हो गया आज को। हम लोग इधर आके खुशी से इधर आके पूरा लीडर्स का साथ, कादर मोहिद्दीन साहब का लीडरशिप में हमको इधर आने मौका मिल गया। तो कौम बहुत, केरला का और तमिलनाडु का सभी कौम बहुत नसीब वाला है। और आगे इंशाल्लाह कर्नाटक में भी, दूसरा स्टेट में भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करेगा। क्योंकि एजुकेशन में रहो, दूसरा कुछ में भी रहो, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो देखता है कौम के लिए, वो सभी साथियों को लेकर जाता है। वो कहीं भी नहीं है ऐसा पार्टी से, सब लोग ये पार्टी में शामिल हो जाओ, ये पार्टी को आगे बढ़ाओ और कौम के लिए खिदमत करो और पूरे लोग के लिए खिदमत करो। वही हमारा मैसेज है आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का तरफ से। इस इजलास के बाद, इस कॉन्फ्रेंस के बाद कर्नाटक में आप कैसे बढ़ेंगे, कैसे आगे इस पार्टी को लेकर जाएंगे? इंशाल्लाह कर्नाटक का पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन हमें ग्रास रूट से वर्क करना कर है। अभी जो ये इलेक्शन में कुछ होने का नहीं है, इंशाल्लाह आगे 5 साल का प्रोजेक्ट बना के हम ग्रास रूट से वर्क करके पूरा अभी साउथ कैनरा और कूर्ग पूरे तो मालूम है, केरला में जैसा खोम आगे बढ़ गया ऐसा कर्नाटक में बढ़ाने के लिए उन लोग को मालूम IUML क्या है। ऐसा पूरा बेंगलोर में सब जो हमारा जाविदुल्ला प्रेसिडेंट, इनका साथ से हम मिलके सब लोग काम करेगा। अभी पूरा लेडीज विंग सब लोग जोर से काम अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा फील्ड में आ गया है। पहले कुछ भी मालूम नहीं था इन लोग को IUML क्या है। ये खिदमत क्या पार्टी है और सब लोग को साथ लेके जाता है। उधर रिलीजन नहीं है और भाषा देश ऐसा कुछ नहीं है, सबको साथ लेके जाता है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं मैं ह्यूमन स्विंग की बैंगलोर कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे आने के बाद हमारे लोगों की जो खुशी है दुगनी और चगनी हो गई माशाल्लाह। अभी हमारी उतनी उम्र नहीं हुई जितना कि ये 75 ईयर्स में हम यहाँ पे जमा हुए। हम बहुत खुश नसीब हैं जैसे कौमी मिल्लत, कायदे मिल्लत के साथ हैं, जाविद सर हमारे प्रेसिडेंट इनके साथ हैं, नौशाद भाई के साथ हैं, जो IUML को हम लोग बड़े पैमाने पर लेके जाने वाले हैं। यहाँ पे मैं सबको हैप्पी IUML का जो एनिवर्सरी है प्लैटिनम जुबली में जो हमें हिस्सा लेने का मौका दिया, इसका मैं बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। और इंशाल्लाह यहाँ से जाने के बाद ऐसा ही पैमाना हमारा बैंगलोर में भी हम करेंगे, ये हमारा पुख्ता इरादा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। കുറച്ച് അംഗങ്ങളാണ്, കർണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളാണ്. അവരോട് ഒരു കർണാടകയിൽ കന്നഡയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ?
Ahí va.